सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें, क्योंकि हम इतनी अच्छी और प्यारी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और आपका एक शेयर शिव जी एक शेयर से शिव आपके ऊपर कृपा अवश्य ही करेंगे। आपको वंश की वृद्धि कराएंगे, संतान की प्राप्ति कराएंगे, पुत्र की कामना कराएंगे। यदि आपने नवरात्रि के 9 दिनों के इन 9 महा उपाय यानी कि कुल 455 पुष्पों वाला ये उपाय कर लिया तो आपके ऊपर कृपा अवश्य ही होगी। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, पर कृपा ज़रूर होगी। तो कैसे करना था ये उपाय, कई बार हम आपको बता चुके हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर आपको नवरात्रि के 9वें दिन तक उपाय करना था। प्रथम दिन आपने जो पुष्प लिए, जिस कलर का पुष्प लिया, जो पुष्प लिया, फिर वो गेंदे का, गुलाब का, पारिजात का, सफ़ेद कमल पुष्प, जो भी लिया, 9 पुष्प लिए होंगे, वही पुष्प आपको अगले दिन 18 कर देने हैं, अगले दिन 27 कर देने हैं, अगले दिन 36, 36, अगले दिन 45 यानी कि 45, अगले दिन 54 यानी कि 54, और उसके अगले दिन 63 यानी कि आज नवरात्रि के 7वें दिन 63 पुष्प समर्पित करने हैं। यदि अभी भी आप पहले दिन से इस उपाय को नहीं कर पाए तो अलग अलग पुष्प लीजिए, 9 अलग, 18 अलग, 27 अलग, 36 अलग, 45, 54 अलग और 63 अलग। पहले वो 9 पुष्प समर्पित कीजिए, फिर 18 कीजिए, फिर 36 कीजिए, और उसके साथ ही इस प्रकार से आपको 6 दिन के उपाय एक साथ आज ही के दिन करने होंगे। और 7वें दिन के 63 पुष्प वाला उपाय आज करना है। 8वां और 9वें दिन के उपाय 72 और 81 यानी कि 81 पुष्पों के साथ ये उपाय करना है। बाबा से प्रार्थना कीजिए, आज हमने 63 पुष्पों से ये उपाय किया है। हर दिन आपको एक दीप प्रज्वलित करना होता है, जैसे ही आप पुष्प समर्पित करें उसके तुरंत बाद दीप प्रज्वलित करके आपकी कामना बोलिए, मनोकामना बोलिए, पुष्प समर्पित करते हुए आपकी कामना बोलिए, मनोकामना बोलिए, और इसके साथ ही इस उपाय को कीजिए। बाबा भोलेनाथ माता आद्य शक्ति की कृपा से आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करने के उद्देश्य से इस नवरात्रि के 9 दिनों में करने वाले हो उपाय। जिस कामना या जिस विशेष कामना से आप उपाय करने वाले हैं, कीजिए इस उपाय को, नवरात्रि के 7वें दिन का उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।